दरअसल जिन्निया भी सरकार बनिया जिन्हें मुख्यमंत्री बने बादल कैप्टन चन्नी या होर भवंत तो लेके ये सेंटर की कठपुतली बन के नचते रहे हैं। पछमी बंगाल की गल करते हैं, ममता बनर्जी की गल करते हैं तो दहाड़ दी अपने हकों को लेके वो प्रभाव नहीं करते, पर ये बंदे भिजी बिल्ली बन जाते हैं, जाके सारा कुछ उत्ते समर्पित करते हैं भी लो जी सानू पांच साल मुख्यमंत्री रहन दो, सानू ना छेड़ो, सानू ना बुलाओ, तुसीं जो पंजाब ना करना करी जाओ। सोमी गोडे ने भवंत ने टेकते है, इन्हें केजरीवाल अगे भी टेकते, चड्ढे अगे भी अगे भी टेकते, इन्हें रेंदे खुंदे मोदी वर्गों के अगे भी गोडे टेकते, उन्होंने भी वाह वाह करी जाता। ये लगातार पंजाब नाल इस तरह क्यों होंदा है कि पंजाब नूं कोई इस तरह का बंदे नहीं मिलिया जिहड़ा उच्चे हकड़ाए खड़ जाए धौण उच्ची करके सेंटर की गल कर भी आह पंजाब का हक है, अजे इंच पिछे नहीं हटना, असी लैके हटांगे। हुण भवंत गल तां हर इक करदा है कि मैं तां जी पिंडां च उठिया, मैं सत्थां च उठिया, मैं तो मच्छरदानी ला के सौंदा रहा इंजन मूहरे, मैं पानी लाउंदा रहा, गल्लां सारियां करदा वो, पर वह गाह गोडे किहदे अगे टेकते, गल तो इत्थे आ खड़दी है ना। जे हुण उन्होंने सारे बंदे लिया के अपने ला मीडिया तो लैके ला उस चंडीगढ़ जिनी टीम उन्होंने बैठी है, जिन्हें अफसर साई उन्होंने बैठी है, उन्होंने सारे बंदे अपने लाते लिया के तो वो जो नीतियां बनाएंगे पॉलिसियां बनाएंगे तो फिर उत्थे तुसीं देखो कि साडे हालात की होने वाले। इस करके जिहड़े तां बेचारे 90-92 बने एम एल ए नूं पुछदे ही कोई नहीं, ना समझ है इन्हों भी करना की है, ना ये कोई आवाज उठा सकते हैं, इन्हों तां दा लग गया लोग उन्होंने दुखी सके बादलों तो कांग्रेस का दाह लग गया, मौका मिले बन गए पले कख नहीं है। ट्रक यूनियन खत्म करके ये सारा काम कार है जोड़ा पूंजीपतियों के कोले बड़े घराने को देना चाहते, अबानिया अडानिया का कब्जा करा देना चाहते, जो पहला जमीन से हम ट्रांसपोर्ट लाइन के उत्ते पिछली सरकार वे कैप्टन ने यह यूनियन भंग की, संघर्ष किया लगातार, फिर चन्नी ने आके बहाल करती, हूँ भवंत मान ने फिर उम करता यूनियन जंग करती। पंजाब के टीवी देख रहे हो तुसीं, शंभू बार्डर के उत्ते ट्रक यूनियन ने पक्का मोर्चा लगाया हुआ है, तो इस मोर्चे को हमायत देने के लिए लखा सधाणा भी इत्थे पहुंचे ने, उन्हां दे नाल गलबात करदे आं। बई लखे स्वागत है, सब तो पहला तो ये पंजाब दे विच की हो रहा है कि जिस पासे देखो धरना मुजाहरे हर पासे जिहड़े लोग ने वो सड़कां दे उतरे हुए ने, वो लोग जिहड़े कुछ समा पहला जिन्हां ने एक बदलाव नूं वोटां पाईआं सी उसे बदलाव के खिलाफ लोग फिर तो बदलाव पाल रहे। देखो एक तो आम लोगों च ना एक गल जिहड़ी प्रचलित है कि यार हरेकी धरनिआं ते बहि जांदा है, सड़कां ते बहि जांदा है, शौक नूं कोई बहिंदा नहीं, काम कार छड के किहड़े बंदे कोले वेला फिरदा बंदा भी सड़कां दे, बहुत बंदे रजेवे ने कल्ले करे लोग ने मगर परिवार छड के इन्नी ठंड च सड़कां दे बैठना बहुत औखी गल है, तो बहिंदा तो बंदा मजबूरी बस बहिंदा, हुण जे जीरे बैठे हो मजबूरी बस बैठे है, लतीफपुरे बैठे हो भी मजबूरी बस बैठे है, कोई किसान मजदूर बैठते हो भी मजबूरी बस बैठते हैं, अज ट्रकों वाले बाई बैठे ने तो ये भी मजबूरी बस बैठे ने। ट्रक यूनियन खत्म करके ये सारा काम कार है जिहड़ा पूंजीपतियों के कोले बड़े घराने को देना चाहते, अबानिया अडानिया का कब्जा करा देना चाहते, जिवें पहला जमीन से हुण ट्रांसपोर्ट लाइन के उत्ते, इस करके मजबूर होके देखो मैं गल लोगों को दसना चाहना कि ट्रकों के नाल इस कारोबार के नाल कल्ले ड्राइवर कनैक्टर नहीं जुड़े होंगे, ये बहुत परिवार जुड़े होंगे, बहुत परिवारों के घर चलते ये नाल, तो यह समझने की लोड़ है कि ये यही नहीं प्रभावित होणगे भी ट्रक ड्राइवर कनैक्टर प्रभावित होणगे, तो बहुत ज़्यादा परिवार प्रभावित होणगे, खास करके गरीब मजदूर जिहड़े हैगे आ, सो इन्हां दी मंग जिहड़ी हैगी आ टेंडर यूनियन दिओ। हुण टेंडर की करदा, ठेकेदार टेंडर पाउंदा, सरकारां रल मिल के पा लिया, मौजूदा एम एल ए उत्थे हुंदा लोकल उहदे नाल मिल गया, उहनूं 4 रुपये चाढ़ते वो तो उतों टेंडर चक लेंदे है, उत्थे 50-60 के हिसाब से गाह इन्हों देंदे लेंदे 120 है, यानी आधी पल्ले पाउंदे है, तो आधी गाह जिहड़े उत्थे पल्लेदार काम करदे आ बेचारे जिन्हां ढूईआं कुब्बियां हो जांदियां चकदियां दीआं, तो उन्हां दे पल्ले भी कुछ नहीं पैंदा। तो इन्हां दीआं दो मंगां ने भी टेंडर सीधा यूनियन नूं दिओ जिवें पहलां रिहा, तो यूनियनां बहाल करो, जायज़ मंग है। पिछली सरकार वेले कैप्टन ने यह यूनियनां भंग कीतियां सीगियां, इन्हां ने संघर्ष किया लगातार, फिर चन्नी ने आके बहाल करतियां सीगियां, हुण भवंत मान ने फिर उही काम करता यूनियनां जिहड़ियां भंग करतियां। जिवें ये सारियां गल्लां बातां तमाम पंजाब दे विच हो रही ने, अक्सर लखे सधाणे होणी जां होर पंजाब दे लई चिंता करन वाले उन्हें एक लड़ी च परो के देखते हैं कि सरकारां एक नीति तहत चल रही ने, उन्होंने
पंजाब के उत्ते आखर नूं आके कब्जा करना आ जां न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दीआं गल्लां चलदीआं ने, पूरी दुनिया के उत्ते इको साम्राज स्थापित करन दीआं तमाम अजिहीआं गल्लां चलदीआं ने। एक पासे तां सरकारां अपनी नीतियां दे विच भज भज्जण च लगियां होईआं ने, उहनूं कामयाब करन दे विच लगियां होईआं ने, पर दूसरे पासे लोक ने जिहड़े उह खिंडे खिंडे नज़र आउंदे ने, कोई किते धरने ते बैठे ने, कोई किते धरने ते बैठे ने, तां लगदा कि इहनां नूं वी उसे तरह इक होण दी लोड़ आ। देखो मैं इही वार वार गल करदा, मैं स्टेज ते वी गल कीती, चैनलां ते वी करदा कि हर मसला हर बंदे नाल जुड़िया होइआ। जे ट्रकां दा मसला है, चाहे मैं ट्रक ऑपरेटर नहीं हाँ, चाहे मेरे को गड्डी है नहीं है, मेरे नाल भी जुड़िया होया मसला है। ये मजदूर नाल भी, शहरी नाल भी, पिंड वाले नाल भी, हर नाल जुड़िया होया। पानी का मसला, हवा का मसला, धरती का मसला है, बोली का मसला है, जिन्ने मसले ने पंजाब के हर पंजाबी नाल जुड़े हुए हुए ने। इनू बक करके ना देखा करो कि यह जी ट्रकों का मसला साडा कोई लेना देना नहीं, यह जीरे का मसला साडा कोई लेना देना नहीं, लतीफपुर का मसला नहीं। अज जीरे पानी बर्बाद हो रहा, पूरे पंजाब पानी तो बर्बाद हो रहा, पानिया के उत्ते सानू वड्डी जंग लड़न की लोड़ है। हुण तुसीं देखो नहरां हेठां कंक्रीट पाउण लग गए, नहरां दे विच कागज़ पा के कंक्रीट पा के, वह किड्डी बर्बादी है साडी। उते भी लोग अभी जा रहे हैं, उस एरिए भी लोगों को जगा रहे हैं, लामबंद भी कर रहे हैं भी ये हमला जिहड़ा बहुत खतरनाक है पानी वाला। तो पानिया के उत्ते सानू लड़ना ही पैना, चाहे दरियावां का पानी होवे, नहरां का होवे, जां हेठले पत्तना का पानी होवे। तो इहदे लई लोग जिहड़े हैगे ने हाले भी लोगों को समझ दी मैं गल करदा घाट आ कि जे पिछले 30-40 साल तो जदों दे इत्थे कारखाने लगे आ कि 40 साल तो पिछले लुधियाणे दे विच जां होर थावां दे उत्ते, तां पिछले 40 सालों तो लगातार उहनां ने जहर घोली आ पंजाब दे पानिया दे विच, तां लोग चुप ने। समय दीआं सरकारां वड्डे लोकां नाल रल के विच हिस्सा पत्ती रख के उहनां ने बर्बाद कीता पंजाब दा पानी। तां लोग देखो सब तो अहम पानी आ, पानी दा जिक्र मतलब कि गुरबाणी दे विच भी थां थां हुंदा है ना, पहला पानी जीओ होया, पानी नूं पिता कहा गया। तो इस लई आपां चाहुंदे आ कि यार मैं तां इह गल चाहुंदा कि यार जिहड़े जिन्ने मसले उठदे ने उत्थे हुण साडे कोल इक्को ही राह बचदा कि असी एक होण दा, एक हो के संघर्ष करन दा। नहीं करांगे तो फिर कल्ले कल्ले छत्तर भी खावांगे, तो हौली हौली जिहड़ी साडी शक्ति आ ताकत आ घटदी तुरी जाणी है, तो सरकारां दा गलबा वधदा तुरै जाणा, इहनां पूंजीपतियां दा जरूरी आ जांदी है। एक होण दी गल आउंदी है, मैं पंजाब दे बड़े मसले ने जिहड़े उहनां नूं जदों देखदे आ कि उहनां च लोक वड्डी गिणती च पहुँचदे रहे ने। किसानी अंदोलन सब तो जिहड़ी नवेकली उदाहरण, उस तो पहलां वी पंजाब दे विच सरबत्त खालसा, होर बथेरे इकट्ठ पंजाब दे विच हुंदे रहे ने, मत्तेवाड़ा जंगल दे विच वड्डा इकट्ठ हो के हटिया, लोग पहुँचते हैं। कितना कितने आगू ने जिहड़े उहनां च आपसी वखरेवें नज़र आउंदे ने, वो आपसी जिहड़ियां खहबाजियां करके कितना कितने जिहड़े मोर्चे ने अजिहीआं जिहड़ियां मूवमेंट्स हुंदीआं ने वो बिखरदीआं नज़र आ जांदीआं, सरकारां कामयाब हो जांदीआं। ये देखो ये दुखांत रहा पंजाब दा लंबे समय तो लैके, किसानी अंदोलन च भी आपां देखिआ जां होर जिन्ने जिहड़ियां कोई धार्मिक जथेबंदियां ने, चाहे बरगाड़ी मोर्चा लग्गिआ उहदे विच भी आपां देखिआ है ना, जाने ये जिहड़ा साडा इक साडे मन च बणी हुई गल है, इक चौधर की गल रख लो, एक हंकार की गल, एक मैं उहदे थले क्यों लगा, जां ये मेरी अगवाई च होना चाहिए है ना। जे असीं पंजाब लई लड़ रहे हाँ, पंजाब दे हर उस अहम मुद्दे मसले लई लड़ रहे हैं, मंग उठा रहे हैं, गल उठा रहे हैं, तो फिर ये गल्लां नहीं होनी चाहिए कि मैं उहदे थले क्यों लगा, मैनू उत्थे की जाण दी लोड़ है, जां उहदा नाम आ गया मेरा नहीं, फिर साडा फिर असीं लड़ नहीं रहे, फिर असीं कल्लियां गल्लां ही करन वाले हाँ, जां असीं कल्ली खाना पूर्ति करते हैं, जां कल्ला नाम चमकाउण आउंदे हैं, पर दिलों कोई दर्द नहीं हैगा पंजाब लई। सो अज जे अज भी ना असीं इकट्ठे होए, कड्डे वड्डे मसले साडे सामने खड़े हो गए, दुश्मन एक है, चलाक है, ताकतवर है, बेईमान है, हमले ते हमला करी जांदा है, पर असी फिर भी अड्डो फाटी होए हुए हैं, तो फिर साडा बचना बड़ा मुश्किल हो जाना। 24 घंटिया के विच मसले हल करन दा समां मंगण वाली सरकार हुण होर समां मंग रही है कि सानू होर समां दो, पेशेंस रखो, भरोसा रखो, असी मसले हल करांगे। तुहानू की लगदा होणगे जां बदलाव बदल गया? नहीं देखो ये जिहड़ा जे पंजाब च जिहड़ी सरकार बन जाती है ना, दरअसल जिन्नियां भी सरकारां बनियां, जिन्ने मुख्यमंत्री बने, बादल कैप्टन चन्नी जां होर भवंत तों लैके, ये सेंटर की कठपुतली बन के नचते रहे आ, ये उस तों बाहर जा ही नहीं सके। हुण जे आपां बहुत सूबिआं दे मुख्यमंत्री है, जे आपां पछमी बंगाल की गल करते हैं, ममता बनर्जी की गल करते हैं, तो दहाड़ती अपने हक्कां नूं लैके वो प्रभाव नहीं करती है ना, पर ये बंदे भिज्जी बिल्ली बन जाते हैं, जाके सारा कुछ उत्ते समर्पित कर दें भी लो जी सानू पांच साल मुख्यमंत्री रहने दो, सानू ना छेड़ो, सानू ना बुलाओ, तुसीं जो पंजाब ना करना करी जाओ। सोमी गोडे ने भवंत ने टेकते है, इन्हें केजरीवाल अगे भी टेकते, चड्ढा अगे भी टेकते, इन्हें रेंदे खुंदे मोदी वर्गों के अगे भी गोडे टेकते, उन्होंने भी वाह वाह करी जांदा। सो इस करके जिहड़े हालात बनते ने ये लगातार पंजाब नाल इस तरह क्यों हुंदा है कि पंजाब नूं कोई इस तरह का बंदे नहीं मिलिया जिहड़ा उत्थे हकड़ा के खड़ जाए, तां
ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਜੇ ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਫਰੰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਿਲੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਜਣ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਗੋਡੇ ਕਿਹਦੇ ਗੱਡੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ 90-92 ਬਣੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਣ ਗਏ ਪੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਹੈ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੁੜ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਲੱਖੇ ਸਧਾਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ KTV ਦੇ ਨਾਲ।